हेलो देयर ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिफरेंट क्रेप की रेसिपी, जिसको मैं अपने तरीके से बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक चॉकलेट बार ली है, उसको आप किसी भी पैन में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दें। इसमें दूध शामिल करें, तकरीबन एक कप। ये देखिए, इसको मेल्ट होने के लिए रख दिया बिल्कुल मीडियम स्लो हीट पे। अच्छे से हमारा चॉकलेट जो है ये मेल्ट हो चुका है। इसमें मैंने क्रीम शामिल की है 1 से 2 टेबलस्पून। बहुत मज़े की चॉकलेट सॉस, चॉकलेट गनाश तैयार हुआ है। ये नीम गर्म पानी लिया है मैंने 1 कप, और ये चीनी जा रही है इसमें 3 टेबलस्पून, और ये ऑयल जा रहा है 1/2 कप। अब इसमें यीस्ट जाएगा 1 साशे। इसको मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें। नॉर्मल बाहर, ताकि ये हमारा जो यीस्ट है ये अच्छे से ना अच्छे से रेज हो जाए। और ये मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए किस तरह से ये हमारा यीस्ट है वो रेज हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह किस कदर फ्लफी, किस कदर रेज हो चुका है जो मैं थोड़ा सा 1 कप डाला था। क्रेप की रोटी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मैदा। मैदा है 500 ग्राम। आप इसको छलनी से छान ले ताकि इसकी कोई गुठली वगैरह निकल जाए। सॉल्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून, शुगर इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा वनीला। एक इसमें अंडा जाएगा। आप इसको ड्राई मिक्स करें। इसके अलावा जो हमने वो घोल तैयार किया था यीस्ट का, वो इसमें शामिल कर दें। ये हमारी डो जो है तैयार है। इसको हम एक साफ सुथरी जगह पे निकाल के, ये जैसे हाथों को बहुत ज़्यादा चिपक रही है, यही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे जैसे आप इसको गूंथते जाएंगे, अब 10 मिनट तक आपने इसकी टाइम नोट करके 10 मिनट तक आपने इसको गूंथना है। तकरीबन 1 टीस्पून आपने इसके अंदर ये भी मर्च करना है, मक्खन। ये बहुत मज़े के और बहुत डिफरेंट स्टाइल के क्रेप तैयार होंगे, खाने में भी बहुत यम्मी। हमारी डो जो है वो इस तरह की होनी चाहिए। ये देखें, ये हमारी क्रेप डो जो है तैयार हो गई है। आप इसको रखें, जितनी ये पुरानी डो होगी उतने ही अच्छे क्रेप तैयार होंगे। आप इसकी रोटियों की तरह बेल के इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, और जब भी भूख फील हो, जब भी आपने खाना हो, तो आप निकालें और तवे पे डालें और थोड़े से ऑयल के साथ इसको फ्राई करें। ये बहुत ज़्यादा रेज ना हो, नो इश्यू। बिल्कुल, ये देखें क्रेप की जो रोटी है पराठा रोल की तरह से तैयार हो गई है। ना ये बहुत मतलब मोटी है, ना पतली है। ये देखें, अभी इसको उतारना या हाथ में रखने से इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। इसी तरह से आप रोटियां बना के, सारी जितना भी आपका है मटेरियल, आप इसकी रोटियां बनाएं और उसको स्टोर करके फ्रीज़र में रख लें, और जब भी ज़रूरत पड़े तो आप ये क्रेप की रोटी जो है इसको यूज़ करें। जब भी आप देखें इसको तवे पे सेकें दोनों साइड से, जिस तरह हम पराठा रोल की रोटी को सेकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इस रोटी को भी आप सेकें। ये क्रेप चॉकलेट सॉस के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। इसके अलावा आप इसको गार्निश के लिए कीवी, स्ट्रॉबेरी, कोई चीज़ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जब आपका जी चाहे खाने का शाम की चाय के साथ। बहुत यम्मी लगते हैं ये क्रेप। इसको बनाएं और इन्जॉय करें ये बहुत ही यम्मी से क्रेप। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। थैंक यू।